नहीं, मैंने तो कर लिया था। कहाँ बिजी है यार ये? लग गया। अच्छा एक मिनट। हाँ यार दीप, मुझे ना तुझसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ बता। अरे यार ऐसे फोन पे नहीं करनी, मुझे सामने बैठ के बात करनी है। ठीक है, आ जाओ घर। तेरे घर पे कोई और तो नहीं है ना? नहीं फिलहाल तो कोई नहीं है, सब अपने वर्क में बिजी हैं। चल ठीक है, मैं ना अभी आती हूँ। इसे क्या हो गया? यार दीप, कल ना मेरे पीरियड्स की डेट थी, पर ना मुझे आया ही नहीं। कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ? तू रुक जा, लेट मी चेक। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, स्वॉलन ब्रेस्ट। हाँ यार लग तो रहे हैं। टेंशन मत ले, मुझे थोड़ा और रीड करने दे। ओके, नौसिया विद और विदाउट वॉमिटिंग। तुझे कुछ अजीब अजीब सा तो नहीं फील हो रहा? हाँ यार सुबह से मुझे बहुत अजीब लग रहा है। यार कहीं ऐसा सच हुआ तो मेरी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी? कहीं तो मुझसे दोस्ती तो नहीं तोड़ देगी? मुझे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो रहा वॉशरूम। दीप, अभी से क्या हो गया सडन? हाँ प्रीत, पैर लेकर आ जल्दी। ओके पीरियड्स आ गए। यार बहुत पेन हो रहा है, पेन किलर और पानी का ग्लास ला दे। तू हमेशा पेन किलर लेती है क्या? हाँ कम से कम रिलीफ तो मिलता है जालिम पीरियड से। तू फुद्दू है, हमेशा पेन किलर लेना ठीक नहीं होता। तो क्या करूँ फिर, मर जाऊँ इधर से ऐसे के? अच्छा तू रुक, मैं कुछ करती हूँ। ओके ये ले, तू ये यूज कर, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। यार इससे नहीं होगा, तू पेन किलर ला दे। लगा तो तू ला के दे रही है या तेरा मुंह तोड़ू? अच्छा तू 2 मिनट लगा, अगर रिलीफ नहीं मिला तो मैं तुझे पेन किलर ला दूंगी। ठीक है? कुत्ते कहीं की, नहीं मानेगी ना तू? तुझे क्या पता दर्द क्या होता है, तेरे तो पीरियड्स भी नॉर्मल डेज की तरह निकल जाते हैं, ऊपर से वो भी 3 दिन। असली गॉड गिफ्ट तो तू है। तू ना बकवास बंद कर और रेस्ट कर चुपचाप। अभी ठीक है ना तू? हाँ अच्छा फील हो रहा है। बहुत फालतू बोल रही थी ना। अब कौन इतनी मेहनत करे यार, पहले पानी गर्म करो फिर बॉटल में डालो, ऊपर से पेन से तो वैसे ही हालत खराब हो रही होती है। पेन किलर से तो बेटर है ना बुद्धू। अच्छा सुनना, मुझे ना चॉकलेट्स और चिप्स की क्रेविंग्स हो रही है, तो प्लीज ला दे। ओ हेलो, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ मैं, समझी? चॉकलेट खाने का मन हो रहा है, डिमांड से स्टार्ट, खुद लेके आ जा। तू है तो फिर बॉयफ्रेंड बनाने क्या नीड है बेबी? एव छी, क्या चल रहा है तेरे गंदे दिमाग में? हाँ और मैं ना लेस्बियन नहीं हूँ, समझी? और लक्षण खराब ही लग रहे हैं मुझे तेरे। ठीक है तू रहने दे, मैं लेकर आ जाऊंगी। ओ सुपर वुमन, लेकर आती हूँ, रुक। ये लो मैम। मेरे साथ शेयर नहीं करेगी? पर ये तो तू मेरे लिए लाई है ना। हाय मेरी डेट थी आज, मुझे पता भी नहीं चला। नई बेडशीट पर स्टेन लग गया। दीप फटाफट बेडशीट साफ कर, मुझे सफाई करनी है रूम की। अगर मम्मी आ गई तो मुझे इसी नई बेडशीट के साथ दफना देंगी। गेट बंद करती हूँ पहले।
दरवाजा क्यों बंद किया तूने? नहीं मम्मी, दरवाजा थोड़ी ना बंद किया, वो मेरे कमरे में चूहा आ गया था, बस वो बाहर ना आ जाए इसलिए बंद कर दिया था। चूहा हट, सफाई करने दे। नहीं मम्मी लाओ झाड़ू मुझे दो, मैं सफाई कर देती हूँ, रूम मैं गंदा करती हूँ तो सफाई भी तो मैं करूंगी ना। लाओ, आज सूरज कहाँ से निकला है? वो सब छोड़ो, आप लाओ मुझे झाड़ू दो, मैं साफ कर दूंगी। अरे दो ना मम्मी, कर दूंगी मैं, लाओ। यार ये तो हट ही नहीं रहा है। प्रीत, हेलो प्रीत। यार नई बेडशीट पर ना पीरियड स्टेन लग गया है, इतनी कोशिश कर ली हट ही नहीं रहा है। एक काम कर, नींबू से साफ कर। नींबू? क्या छुपा रही है पीछे? मम्मी शिकंजी पीने का मन कर रहा था तो नींबू। नींबू किसी जरूरी काम में आएगा, बहुत महंगे हो रहे हैं। चल रख वापस। देख मैंने तो वैक्सिंग भी करा ली। तो जा रही है ना निया की शादी में? एनीवेज मेरे तो पीरियड्स भी खत्म हो गए, थैंक्स टू गॉड, अब ना निया की शादी फुल एंजॉय कर पाऊंगी। लेकिन यार मुझे तो याद ही नहीं कि मुझे लास्ट टाइम पीरियड्स कब हुए थे, डेट क्या थी मुझे अच्छे से याद ही नहीं है। अच्छा एक बात बता प्रीत, हम लास्ट टाइम शॉपिंग कब गए थे? लास्ट संडे। 22, यानी कि मुझे 3 दिन पहले पीरियड्स आए थे। नहीं नहीं नहीं, खत्म हुए थे। शिट यार मुझे ठीक से याद ही नहीं है। एक मिनट, जब मुझे पीरियड्स आए थे तो मैंने पैड्स खरीदे थे और शॉपकीपर को ऑनलाइन पेमेंट किया था, तो उसमें ज़रूर मेंशन होगा। यार इसमें तो 19 दिखा रहा है, और मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने पीरियड्स के फर्स्ट डे में पैड्स खरीदे थे कि सेकंड डे में। शिट यार कितनी भुलक्कड़ हूँ मैं। एक मिनट, मैं गई थी तेरे साथ पैड्स लेने और तूने पैड्स लिए थे सेकंड डे पे, यानी कि तुझे पीरियड हुए थे 18 को। 18 को हुए थे। निया की शादी भी तो 18 की है। खत्म, फिनिश, कोई स्टेट नहीं है पैड पे, फालतू में एक पैड खराब किया मैंने। चल कोई ना, पीरियड्स तो खत्म हो गए। टीवी देख रही है? एक बात बता, तूने पीरियड्स में कभी किसी लड़की को खुश देखा है? नहीं। हंसते हुए देखा है? नाचते गुनगुनाते हुए देखा है? व्हाइट कपड़े पहनते हुए देखा है? बिल्कुल नहीं। तो टीवी एड्स में इतना फुद्दू क्यों बनाते हैं? हमारी शक्ल पे लिखा हुआ है क्या? नहीं, लोगों को तो यही लगता होगा ना कि पीरियड्स डेज में लड़कियों के बेस्ट डेज होते हैं, लहरा के चलती हैं, खुश होती हैं, नाचती हैं, गुनगुनाती हैं। मतलब हद होता है यार, ये नहीं पता कि लड़कियों को कितना सफर करना पड़ता है, कितना पेन फील होता है उन्हें। रात को चैन से नहीं सो सकते, सावधान पोजिशन में सोना पड़ता है, और नाचना गाना तो दूर, फर्स्ट डे के हैवी फ्लो में ना फट के हाथ में आ जाती है, सांसें अटक जाती हैं यार, और अंडीज चेंज करते करते ना हालत खराब हो जाती है, और खा खा के सारा घर खाली कर देते हैं, ट्रिप्स कैंसिल करने पड़ते हैं, और कितना कुछ अवॉइड करना पड़ता है खाने में। लेकिन इनको देखो कितना इजी दिखाते हैं सब कुछ। होता है ऐसा कुछ? इसके इतने मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं? कहीं इसे पीरियड्स तो नहीं हो रहे? जो तू सोच रही है ना बिल्कुल सही सोच रही है। तुझे कैसे पता चला? बाद में बताती हूँ, पहले पैड चेंज करके आती हूँ। इससे पहले कि वापस आए मैं निकल लेती हूँ, पता चले इसके मूड स्विंग्स हो और ये मुझे बजाने लग जाए। क्या पहनूं? नो, लाइट कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं।
नो कुर्ती इज द बेस्ट ऑप्शन, हैवी फ्लो भी है, मैनेज हो जाएगा. क्या बात है, आज कुर्ती कुछ स्पेशल है क्या? कुछ स्पेशल नहीं है मम्मी, आज पीरियड्स का फर्स्ट डे है. चलो इसी बहाने कुर्ती अलमीरा से निकली तो सुंदर लग रही है. चल अब ब्रेकफास्ट कर ले जल्दी. नहीं मम्मी मैं ऑलरेडी लेट हूँ, कभी ये रखो कभी वो रखो, निशा पे. मुझे पता था, ये ले लंच पैक कर दिया मैंने, खा लेना. अब ना तू रहने दे, तेरा ना हमेशा का हो गया. तू आलसी इतनी हो गई है, हर बार यही बोलती है कल से स्टार्ट करूंगी कल से स्टार्ट करूंगी, पर तेरा कल ना आज तक आया ही नहीं है. अरे सच बोल रही हूँ यार, अलार्म भी सेट कर लिया. देखती हूँ कितना सच बोलती है तू. रेडी रही हो कल ऑन टाइम? चल अब सो जा, अब सपने में आके मत लड़ने लगी हो. गुड नाइट. शुक्र है आज तो टाइम से तोड़ गई. चलो फटाफट नीचे आ जा, मैं ना नीचे ही खड़ी हूँ. नहीं आ सकती यार. क्या क्या बोला तूने, फिर से बोलियो. मैं ना तेरा मुंह तोड़ दूंगी. तू समझ जाना अपनी दोस्त का दर्द. देख ऐसा है ना, ये डायलॉग मारना बंद कर और फटाफट नीचे आ. पीरियड्स आ गए यार. तू ना ऐसे नहीं मानेगी. तू रुक मैं ही ऊपर आ रही हूँ, बहानेबाज कहीं की. दीप की बच्ची. थैंक गॉड कोई लीकेज नहीं हुआ. जल्दी आ, कितना टाइम लगाएगी, सब वेट कर रहे हैं, हम बहुत लेट हैं वो तेरी वजह से. हाँ आ गई बस. चले अब चल जल्दी. अब क्या हुआ, बैठना. दो मिनट रुक. अरे अब क्या बोल गई, इसकी वजह से ना मुझे हमेशा सुनना पड़ता है. कहाँ रह गए यार तुम दोनों? हाँ हाँ बस बस निकल रहे हैं, बस 10 मिनट वेट करना हमारा. क्या बोल गई थी? पांक. अब बोलेगी? पीरियड्स. क्या क्या बोला तूने? पीरियड्स आ गए. ओह शिट यार, इन्हें भी अभी आना था. लास्ट टाइम मेरी वजह से कैंसिल हुआ था और इस बार तेरी वजह से. पीने क्या बोलूं मैं? अब मैं ऐसे तो जा नहीं सकती, अगर ऐसे जाऊंगी तो पूरा पूल रूह अफ़ज़ा बन जाएगा. चल ऐसा कर तू पूल में मत जाइयो, मेरे साथ तो चलने. तू पागल है क्या, मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी. इतनी स्पीड में स्कूटी चलाती है और स्पीड ब्रेकर आते ही ना मेरा काम तमाम हो जाना है. चल फिर ऐसा कर तू मत जा, मैं चलती हूँ. ओके बाय. कितनी धोखेबाज दोस्त है यार, मुझे छोड़ के जा रही है. देख यार अब मैं तेरा बॉयफ्रेंड तो हूं नहीं जो तेरे साथ कडलिंग शडलिंग करूंगी. ठीक है फिर जा. फोन स्विच ऑफ कर दिया, तू भी अपना कर दे. ओ शिट शिट शिट. हाँ पैड्स रखे थे मैंने बैग में. ओ शिट दूसरे बैग में थे वो, मैं दूसरा बैग ले आई आज वॉशरूम. ये तो सच में आ गए यार, अब क्या करूं. पैड्स भी नहीं है.
क्या रखा है तूने बाथरूम में न्यूज़पेपर में पैक करके? जब 2-3 महीने के इकट्ठे हो जाएंगे तब फेंकेगी डस्टबिन में? हाँ मम्मी, बस फेंक रही हूँ। नहीं नहीं, रुक गई। नो, रुक गई। आ छी।